गुजरात चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान, दो चरण में हो सकती है वोटिंग, 8 दिसंबर को आ सकते हैं नतीजे। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति, पार्टी के नए अध्यक्ष खड़गे, आज आदिवासी बहुल नवसारी का करेंगे दौरा, आदिवासी वोट बैंक पर पार्टी की नजर। हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत, आज बागी नेताओं को मनाएगी पार्टी, दिग्गज नेता करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस का मिशन 2023, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जाएंगे बस्तर, जगदलपुर दंतेवाड़ा विधानसभा में लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। पंजाब की तर्ज पर गुजरात की जंग लड़ेगी आप, सीएम फेस के लिए पार्टी चलाएगी कैंपेन, लोगों से सुझाव मांगेगी पार्टी। गुजरात चुनाव के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कसी कमर, आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे ओवैसी। औरंगाबाद में सिलेंडर फटा, खरना के दिन सुबह सुबह हुआ हादसा, 25 से 30 लोग झुलसे। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब, कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। छठ पूजा का दूसरा दिन आज, खरना का प्रसाद ग्रहण कर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला महाव्रत, 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। न्यूजीलैंड श्रीलंका के बीच सिडनी में होगा मुकाबला, दोनों टीमें प्लेइंग 11 में कर सकती हैं बदलाव। यूक्रेन में गहराया बिजली संकट, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, बिजली कटौती से यूक्रेन के 40 लाख लोग प्रभावित। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनों के मद्देनजर अगले हफ्ते यूएन के अनौपचारिक बैठक। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के पति पर हमला, राष्ट्रपति बाइडेन बोले, पेलोसी के पति पर हमला घिनौनी हरकत। पाकिस्तान की सियासत में हलचल, सेना और आईएसआई के खिलाफ इमरान के हमले तेज, पार्टी सांसद ने लगाए गंभीर आरोप। अमेरिका के पिट्सबर्ग में अंतिम संस्कार के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोग जख्मी, 1 गंभीर। एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, ट्विटर के लिए कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल का करेंगे गठन, मीटिंग से पहले बैन अकाउंट्स की नहीं होगी बहाली। इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग, दहशत में आए लोग, डीजीसीए को घटना की जांच के आदेश। जनरल मोटर्स ने ट्विटर पर विज्ञापन देना अस्थायी तौर पर किया बंद, कंपनी को हो रहा है लगातार नुकसान। एक और हाई एंड फोन लॉन्च कर सकती है गूगल, सीक्रेट डिवाइस पर हो रहा काम, हो सकता है सबसे पावरफुल फोन। रेल यात्रियों को होगी परेशानी, आज रद्द होंगी 125 ट्रेन, कई गाड़ियों का बदला गया रूट।